दर्शकविंद नमस्ते अखन विभिन्न रासे अनुसंधान मूलक पुस्तक सबके प्रकाशन करा के एक टा क्रम शुरू खासक नेपाली क्षेत्र जे मिथिला या कहबे तुरंत एक पुस्तक प्रकाशित भेलिया अनुसंधान मूलक पुस्तक से मिथक ये अपने सब हमरा हाथ में देख रहा पुस्तक से मिथिला और बहुत पुस्तक के में अनुसंधान अनुसंधानमूलक वस्तु सबके राखल पुस्तक के लेखक धर्मेन्द्र बिहवाल धर्मेन्द्र झा के नाम सब पत्रकारिता क्षेत्र में परिचित मुदा साहित्य के क्षेत्र में हर नाम धर्मेन्द्र बिहवल नाम स परिचित प्रख्यात बहुत राशि हुनकर पुस्तक सब प्रकाशित है खास पत्रकारिता से लगभग कविता हाइकू तमाम जे विधा से साहित्य के अ में पुस्तक प्रकाशित है मुदाई पुस्तक अखन प्रकाशित और पुस्तक में च... आई हमरा प्राप्त हुई पुस्तक पुस्तक के जखन मोल के बात करबे त भारत में दू सौ पचास टका और नेपाल में चार सौ टका चार सौ टका में आई हम पुस्तक किनलो त अपने सबके पुस्तक में एना देखला के बाद में जे कि रोचक विषय वस्तु कबै या जानकारी प्रद विषय वस्तु ओ देखला के बाद में हमरा लागल जे किछ अपने उदमा के बीच में अहि पुस्तक के विषय पर किछ विषय वस्तु या किछ चर्चा कि साझा करी अपन विचार मनक या पुस्तक में जे विचार आइल ओ अपने के बीच में राखी और अरे बहुत रास जे मिथिला के विभूति में जे गोनु झा भगवतीको आशीर्वादी प्रसंग सबके एक राखल गेल छे जे में समावेश पुस्तकमा गेल कायल त अन्य विषय चाहिँ दोस्रो दिन में जे किछ रोचक वस्तु राखल गेल छे, के में जानकारी त फेरि दुदा एक विषय या प्रसङ्ग छ राखल गेल जे पराजित गोनु झा अवसान प्रसंग एक राखल गसंगने सबके सुनबी बाद सुनला के बाद अपने सब आ, अनुमान लगा ले पुस्तक कते रोचक से कते ज्ञानप्रद से और कते अनुसंधानमूलक है गोनू झा चातुर्य सन मृत्युक संबंध में एक मिथक प्रचलित है गोनू झा जा दिन पटुता आ चातुर्य में पराजित हु वही दिन यही धरती पर हुनक अंतिम दिन प्रमाणित भेल से विश्वास कल जाए गोनुकालीन मिथिला समाज में शौच क्रिया प्राय घरक बाहर संपन्न स्थापित कथ्य अनुसार गोनु झाक मृत्युक संबंध एहने शौच क्रिया से जुड़ल है एक साझक बात है खेत में शौच निवृत्त भ शुद्धि हेतु ओ लगले पोखर में गला शौच शुद्धि हेतु ओजल जल छूने मात्र की छला छैत जे सामने मुहार पर गामक एक चर्मकार शौच शुद्धिकरण क्रिया में संलग्न अचानक गुनुक मन में प्रतिस्पर्धा भाव जागृत हुनक मन में बात खिला लगलैन ए इहो एतै सोच कर एक हम पराजित कर मोन में मन मेंहने भाव जागृत भेल आब ई गोनू बाबू के देखा अवसर भेटल आइ आइधर कहियो पराजित नहीं आइ स हिनका पराजित करब दून गोटे प्रतिस्पर्धा भाव में समय बीतत गेल रात बीतल भोर भेल दीन बितल फेर राईत बितल ई प्रतिस्पर्धा सात दिन धर चलल से मानल जायते छ भुखे प्यासे जारी रहल ई प्रतिस्पर्धा क्रम में गोनु बाबू बहुत कमजोर भ गेला हुनक शरीर प्रतिस्पर्धा के जारी रखवासा अब असमर्थ छल आ ओही क्रम ओ मृत्युवरण कैला सेहु कहल जायते छ तो एहे प्रकार के एहने किसिम सा जे विभिन्न भी किसिम के मिथक सब के एक संग्रह कैल गेल छे आई पुस्ताक में और जखन ई पुस्तक के चर्चा करब गोटे तीन गोटे ई पुस्तक के जे वर्णन छथिन जेना राम रिजन यादव पत्रकार लेखक के अभियान कहै छथिन जे पेशा से पत्रकार मैथिली साहित्यिक सिद्धस्थ हस्ताक्षर के रूप मेंचय बनौने आ एहन कृति माध्यम एक अनुसंधानकर्ता के रूप में, चाहित चाहित। आ, के रूप में उपस्थित भेला मिथक अध्ययन आ अनुसंधान अत्यंत दुरूह काज मानल जात है एहने में धर्मेन्द्र मिथक अध्ययन बीरा उठा बहुत महत्वपूर्ण काज कल अध्यता लोकन के, के पुस्तक में संकलित मिथक माध्यम से मिथक माध्यम संस्कृति आ इतिहास बुझवा में बेस सहयोग प्राप्त होते हैं ई रामरिजन जी के पुस्तक पर कथन आये अब रूप से अँ के जीवनाथ चौधरी जो मैथिली विकास कोष के अध्यक्ष है विषय में वो पुस्तक विषय में अपन विचार राय रखने जे कवि धर्मेंद्र विहवल ई मात्र कवियेटा नहीं पत्रकार लेखक साहित्यकार आ अन्वेषण अन्वेषक में मिथल एक सशक्त अभियानी विह्वल साहित्य में प्रयोगक पक्षपाती हिनक प्राय सब कविता संग्रह को कौन प्रयोग पर आधारित है कवि यही बेर कने फरक रूप से प्रस्तुत हो क्रम में खास का मिथिला में प्रचलित मिथक मिथकस लाड़ किताब ठीक अभिनव है इतिहास आ सांस्कृतिक धरोहर के सहेज का रखवाक प्रयत्न कैने आई बात बहुत तो महत्वपूर्ण है मिथल संबंध में अध्ययन अनुसंध अध्ययन अनुसंधान के निहार संग भाव पुस्तक जानकारी हेतु किताब मिलक पाथर साबित है से पुस्तक के विषय में जीवनाथ जी के कथन से जीवनाथ चौधरी जी के अब मिथिला एक सभ्यता के नाम थी इतुक बहुत राशि मिथक रूप में मौखिक साहित्य अथवा डाक डब इत्यादि संग संग अनेक कथा भूत प्रेत आस्था विश्वास अंधविश्वास जुड़ल कथा के रूप में आइधर जीवित से अ रूप से अ पुस्तक के विषय में या कहब एक पुस्तक के विषय के जी जानकारी मुलक से विषय में प्रवीण नारायण चौधरी जी के हर कथन से पुस्तक जो देखा तो बहुत पातर है मिथिला के जना पुस्तक के जखन आवरण सार्वजनिक रहे फेसबुक में हर सब गोटे से राय सुझाव लेने राय राय सुझाव ये किस्म से कर अ पुस्तक के आवरण आये और हर जो धर्मेन्द्र बिहवल के प्रकाशित जो पुस्तक है रास्ता तक जिंदगी एक सृष्टि एक कविता एक समय एक बात ये लगातिक के सब के हिन्दर जो प्रकाशित से, से के सूची दल ग मुदा जूप या खास कुवा पुस्त युवा पुस्तमा विषय वस्तु हरा रहा युवा पुस्ता के जानकारी नै भेट्छ उ युवा सब जानकारी हुँ अर्थात जानकारी हामी मिलतो एक विषय कि भाइ जे, जे बहुत रासे बात सब हरा रहा अपना समाज से गाम से परापूर्व हमारा के दाई माई काकाा का कीस सुनबी था वो सब आप धीरे धीरे विलुप्त जे मिथक सब छे या एक खिस्सा सब कहे या जे प्रचलित है वो अहाँ के रोचक रूप से जना जे भाई बहन पर्व छठिया छठिक प्रारंभ मिथिल से छठ के प्रभा प्रभा प्रारंभ मिथिल से नागपंचमी लगते के लग के बहुत राश से जानकारीमूलक अपने सबके अ पुस्तक में भेटत अपने सब पुस्तक जनकपुर में जना पुस्तक के दाम से चार सौ टका चार सौ टका में उपलब्ध सहज रूप से एक अध्ययन करके या अनुसंधानमूलक या अपन समाज में जे प्रचलित कथन सब से मिथक सब से ओ विषय में जानकारी लवकले ई पुस्तक बहु सहायक सिद्ध भ सके तेद्वारे अपने सब अध्ययन करब देखै केन पुस्तक छ त हमरा त बड़ा निक लागल खास क अ जे बहुत रो, रासे रोचक जानकारी सब और अपने के यही रूप से अ पुस्तक के विषय में जे और और बहुत रासे एक किसीम से कहिए आनंद प्रद कर वाला जे जो विषय वस्तु सब राखल ग तो सब अपने सबके को दिन रूप से अब पुस्तक के विषय में या में जे अपनास के मिथला के जे कथनस मिथकस है सब विषय में जानकारी देव और अपने सब सबसे पुस्तक कीन सकते खरीद सक पढ़ि सक बुझ सकती आई अन्यास पुस्तक हातमा लगित एक जखन सर सर विषयवस्तु सर सर दे सब देखल त लागल पुस्तक कनका छोटे छिन् कि नै तिडियो मार्फत जानकारी दि जानकारी दिँ निश्चित रूपस निक लागल हात फेर पुस्तकी पढिक क्या त अखने कनिक देर पहिले हात लागल त एक दुई प्रसंग पढ़लिए त मन भए उत्सुकता भए कि कहीँ त अनिस फेरि पढ पूरा अहिले जे आोचक जे विषयवस्तु क्या पूरकै पूरा रोचक छ समान्य उल्टा का, और और से वस्तु पर या और बेसी विषयपर सब सब जानकारी दे व्यस्त नमस्कार